मेरा नाम राम प्रकाश भोला है। मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ और बचपन से ही मेरी आई साइट वीक थी। ये जो ब्लाइंड वेलफेयर सोसाइटी है वो हम ही ने फॉर्म करी थी 1981 में। ब्लाइंड वेलफेयर सोसाइटी में जो बच्चे रहते हैं गर्ल्स के लिए हमने ये संस्था खोली। शुरू में जब हमने ब्लाइंड वेलफेयर सोसाइटी बनाई थी तब इस तरह का कोई विचार नहीं था कि हमने केवल लड़कियों की मदद करनी है। उस समय ये एक जनरल तरीके से बनाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे लड़कियां दिल्ली के अंदर बढ़नी शुरू हुई और हमने देखा कि उनके पास बच्चों के पास रहने की जगह नहीं है जहाँ पर कि वो रह के पढ़ाई कर पाए, तो इस विचार को ध्यान में रख के ये डिसीजन लिया गया। इसमें बच्चों के हर एक तरह के खर्चे को सस्ता उठाती है और पढ़ाई के साथ साथ जैसे ही बच्चे 12th पास कर लेते हैं उसके बाद हम इनकी जॉब्स के लिए भी ट्राई करते हैं और इनकी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिलवाते हैं और हमारे यहाँ से हर साल में एवरेज एक बच्ची गवर्नमेंट जॉब में जाती है। अभी पिछले साल जो लेटेस्ट गई है एक कैनरा बैंक में एज PO जॉब उनकी लगी और एक की रेलवे में जॉब लगी। मेरा नाम ममता है। मैं यहाँ पे 2010 में आई थी। मैंने यहाँ से MA किया है हिंदी में इग्नू से। ऐसे यहाँ पर रहकर फॉर्म भरते हैं, जब हमारी जॉब लग जाती है तभी सर भेजते हैं हमें यहाँ से। जैसे मैं अपने घर पे पैदा हुई थी तो लोग सोच रहे थे कि ये क्या करेगी, इसको तो मर जाना चाहिए ये वो। मेरे पापा ने पता किया था यहाँ पे, फिर मैं पढ़ने लगी तो फिर लोगों को घर पे विश्वास हो गया, सबको विश्वास हो गया कि हाँ ये भी कुछ कर सकती है। वो बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं वो ऑल ओवर इंडिया के आते हैं, बहुत दूर दूर से भी बच्चे यहाँ पे रह के गए हैं और एम हमारा सिर्फ एक है कि बच्चों को पढ़ा लिखा दें ताकि वो समाज में खड़े हो पाए और हम अपने यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनको हर एक सुविधा यहीं से देते हैं, उनका रहना खाना कपड़े मेडिसन्स पढ़ाई के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाई पर होने वाले खर्चे इनके राइटर फीस, तो इन सुविधाओं को लेकर बच्चे भी खुश हैं और अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि वो हमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स दे पाए। हमारे यहाँ पे हम कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी इनको देते हैं जैसे जैसे इनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल बिना कंप्यूटर के काम नहीं चलता। आजकल हर एक जॉब में डिमांड आती है कि कंप्यूटर आना चाहिए, तो कंप्यूटर भी हमारे यहाँ लगे हैं जो इसमें जॉब्स नाम का जो सॉफ्टवेयर डाला है जिससे कि जो ये कंप्यूटर्स हैं ये टॉकिंग हो जाते हैं। कुछ रूढ़ीवादी लोग हैं, उनके विचार वही क्या वही हैं पुराने के पुराने, तो वो लोग ये कहना उनका रहता है कि हाँ जी ब्लाइंड कैसे करेगा, और उसके लिए हमें सिर्फ एक ही हम अपनी कोशिश करते हैं कि उन्होंने कहते हैं कि आप इन्हें मौका दे के मौका दीजिए अवसर दीजिए, तो हमें चांस चाहिए इक्वलिटी चाहिए और हम दया नहीं चाहते अवसर चाहते।